नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आइए एक नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। जानकारी के अनुसार आज रविवार को झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर में किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होने व किसान कानून के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर के जिला पंचायत में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि उनका दौरा मुख्य रूप से किसान के कृषि सुधार कानून व बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब तक कि अलग से बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं हो जाता। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि केंद्र व उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी बुंदेलखंड राज्य निर्माण में क्या अड़चन आ रही है, तो वह पत्रकारों को गोलमोल जवाब देते नजर आए। साथ ही इस दौरान पत्रकारों ने क्षेत्र में संचालित गौशाला के हालातों से भी उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन होना ही बुंदेलखंड राज्य के निर्माण होने का संकेत है। इस दौरान उप मऊरानीपुर उप जिला अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी मनीष चंद्र सोनकर, कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये थी अखिलेश राय की रिपोर्ट।